हेलो माय फ्रेंड, मैं आपका मैथ्स का फ्रेंड नारायण डी गवाने, मैथ्स के दीवाने। आज है दिन बहुत मंगल, हम क्यों न करें गणित में दंगल। नमस्कार, आता पाओ अपन गणित दादा चमत्कार। टुडे शाउट आउट गोस टू चव्हाण सर, थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूर फ्यूचर। तो आज हम ले रहे हैं सबसे मेन 9 चैप्टर के लिए, हम स्टार्ट करेंगे सबसे मेन। स्टार्ट करते हैं, बोलो सबसे मेन। अभी ये 10 स्टैंडर्ड का है, लेकिन हम 9 स्टैंडर्ड के लेते हैं। पार्ट वन सबसे मेन पार्ट वन। यस, मैथ्स पार्ट वन, 9 स्टैंडर्ड, रियल नंबर, मराठी में बोलते उसको वास्तव संख्या। ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, लक्षात ठेवा, रिमेंबर। अभी हम स्टार्ट करते हैं। यस, एन फॉर नॅचरल नंबर, नैसर्गिक संख्या, जी आम्ही सहज लिहितो। लहानपणी आम्ही काय काय बोललो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये नॅचरल नंबर है तो उसको हम बोलेंगे एन। एन इज अ नेचुरल नंबर, ये हम इधर एन लिख सकते हैं। एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू फॉर होल नंबर, होल, गोल, पूर्ण, तो पूर्ण, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यू। तो हम ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू। यस, डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आई फॉर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, यानी ये दोनों मिला के, यानी ये 0 आएगा, इधर ये है होल नंबर और उसका अपोजिट नंबर यानी इंटीजर रहेगा मराठी मीडियम। ये पूर्ण संख्या आणि त्यांची विरुद्ध संख्या, हे जी दोन्ही मिळून तयार होते त्याला बोलायचं पूर्णांक आहे की नाही। जादू, ए माधू, ए राधू, देखो हमारे पास जादू। ये इंटीजर यानी 0 है मेरे हीरो। 1 2 3 राइट साइड पे आएगा और ये लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये टोटल ये आएगा नंबर लाइन पे, संख्या रेशर ही से येणार नंबर। क्यू फॉर, देखो रैशनल नंबर, तो ये है रैशनल नंबर रहेगा, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू यानी 2/3 4/2, लेकिन ये पी अपॉन क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर बट क्यू कैनॉट बी 0। मराठी मीडियम पी छेद क्यू असा है कि पी आणि क्यू हे पूर्णांक संख्येचे घटक असतील परंतु छेद म्हणजे छेद शून्य नसेल, तो इसको हम बोलते हैं मराठे में परिमेय संख्या। ओके, ये सबसे मेन है। आर फॉर रियल नंबर, वास्तव संख्या, ये जो टोटल है ये आएगा, ये एन, देखो एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू बिलोंग्स टू आई, यानी सबसेट एन सबसेट डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसेट आई यानी इंटीजर, इंटीजर सबसेट टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यस बिलोंग्स टू यानी सबसेट टू रैशनल नंबर, यानी टोटल ये हमारा रैशनल नंबर। तो ये साइन है मीन्स सबसेट उपसंस यानी इनडायरेक्टली इक्वल टू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं 1। एक लड़की लेख, ए लड़की लेख, पहा इकड़े प्रैक्टिस से 2.1 9 स्टैंडर्ड पार्ट 1। क्लासिफाय द डेसिमल फॉर्म, खालीपैकी कोणत्या परिमेय संख्यांचे दशांश रूप खंडित, अखंड बाबा, खंडित याने पूर्ण। क्लासिफाय द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेटिंग है क्या, यानी ये स्टॉपिंग रहेगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी आपको कंटिन्यू रहेगा। खंडित असेल तो कोणत्या संख्येचे दशांश अखंडित आवर्ती, मग तुम्हाला काय आवडती हे तुम्हाला मी दाखवती। तो फर्स्ट 13/5 13/5, आता इथे कसं करायचं डिव्हिजन, आता भागाकार कसं करायचं बघा, रेडी, एकदम सोपा आहे। ये 13 है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, रफ में 5 1 5
फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, पांच एक पांच, पांच दुने दहा, पांच तीन पंद्रह, तो दोन सा भाग जाना है यानी टू आएगा। पांच दुने दहा, फाइव टू जा टेन आया, बराबर है, तो रिमेनिंग कितना आया, थ्री आया। फाइव से थ्री को डिवाइड नहीं हो जाएगा, पांच ने तीन ला भाग जाना नहीं, आता काय करायचं आठवा, परफेक्ट, हा मिलेगा इधर जीरो, ये हमारा हीरो जीरो लेगा तो इसके सामने पॉइंट देंगे। ओके, तो पांच सकतीस, फाइव सिक्स जा थर्टी, तो डायरेक्ट पूरा डिवीजन हो रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है कोई, तो इसको बोलते खंडित यानी टर्मिनेटिंग। यहां देखो आया, ये आंसर आया, तो उसको बोलते हेयर। तो हम कैसे बोलेंगे, देखो इधर लिखा है हमके लिए, हेयर द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग टाइप, ये टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, हा पूर्णांक खंडित रूप आहे, ये खंडित रूप आहे। ओके, हम अभी आगे जाएंगे, ये फर्स्ट आपका आंसर, अभी सेकंड नंबर है, अभी आपको क्या करेगा सेकंड नंबर के लिए, बोलो, बहुत इजी है, याद करो, यस, अभी हम इलेवन को, इलेवन से टू को डिवाइड करेंगे, ये इलेवन ये टू, आता मैं अकरा ने दोन ला डिवाइड करना भाग जाना, इलेवन के टेबल में टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे सोचो, यस, हम इलेवन जीरो जा, अब इसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इधर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इधर जीरो लिखेंगे, इधर पॉइंट और जीरो। ओके, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, अकरा दो बावीस, तो ज्यादा जा रहा है, तो इलेवन वन जा इलेवन, अकरा एक अकरा, समझा छोकरा, तो ये आया, आता ए टेन से वन कैंसल हुआ, दहातून एक गेले नौ, समझला भाऊ, चला एक कैरी वन आया, ए टू से टू जीरो किया, इधर इतना आया, तो वापस हम क्या लेंगे जीरो। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, इलेवन एट जा एटी एट, अकरा आठिया टेनशी, एटी एट आया, तो ये इसके हम नाइनटी से एटी एट कैंसल किया, दहातून आठ गेले दोन, चला एक, ओके, तो ये जो वापिस जीरो आया, तो वापिस टू ले गए, वापिस इधर रिटर्न आ रहा है, तो ये इधर रिटर्न आया, तो ये हम सिंपल करेंगे, ये वापिस वापिस आएगा सेम सेम, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अखंडित आवर्त, अखंडित, अखंड। ओके, तो ये हमको मालूम नहीं है, यानी आगे आगे कंटिन्यू जा रहा है, तो ये उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो आपके लिए आंसर है, ये टू अपॉन इलेवन है, टू अपॉन इलेवन, इसे डिवाइड किया तो कंटिन्यू आ रहा है, तो ये जीरो पॉइंट, इसका मतलब है ये जीरो पॉइंट एटीन, जीरो पॉइंट एटीन, जीरो पॉइंट एटीन, ये पेयर है। ठीक है, तो हम अभी आगे जाएंगे, सेम ये हम, यू हैव टू राइट हियर द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी स्टॉप नहीं है किधर, इसलिए हा अपूर्णांक अखंड आवृत्ति है, अखंड तो कंटिन्यू पुढ़े जातो म्हणून। ओके, तो अभी सेम इस टाइप के आप रफ में ऐसे करेंगे, तो सिस्टम को 29 से डिवाइड करेंगे, तो आपको आएगा ये 1.8125, तो ये यानी डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, भाग पूर्ण लगतो कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो, यस, खंडित स्वरूप, यानी हम बोलते हैं उसको टर्मिनेटिंग। तो ये देखो, हियर द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग टाइप, हा पूर्णांक खंडित रूप आहे। अभी हम लेंगे नेक्स्ट, हम तो हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते मैथ्स नंबर फोर, चार है मेरे मियार होशियार, तो हम स्टार्ट करेंगे ये 17/125, यानी 125 को 17 हमने डिवाइड किया, तो ये आंसर आएगा 0.136 आया, बरोबर, तो ये लास्ट है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, हियर द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, हाँ अपूर्णांक खंडित रूप आहे। अभी हम लेते हैं लास्ट सम, फाइव नंबर, इलेवन को सिक्स से हमने डिवाइड किया, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल डिवाइड है, बहुत, चलो ये छोटे छोटे सिंपल को नहीं आती है, देखो ये डर जाते हैं, सिंपल है, सहा ने अकराला डिवाइड करायचं, सिक्स से इलेवन को डिवाइड करेंगे, सिक्स वन जा सिक्स आया, सिक्स सिक्स लगाया, तो इलेवन से सिक्स कैंसिल किया, तो रिमेनिंग फाइव आया, तो सिक्स से फाइव से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम ले गए जीरो, ये जीरो लेगा, इधर पॉइंट करना है बाकी है। ओके, तो सिक्स का टेबल बोलते जाना फिफ्टी आते तक,
तो 68 दा सही आठ आठ ही जाए 68 दा 48 आया 48 तो ये इधर आएगा 2 तो 6 से 2 से डिवाइड होगा तो 0 लेना है वापिस पॉइंट नहीं लेना है वापिस पॉइंट नहीं लेगी तो 6 तो 6 3 दा 18 18 आया बाकी अभी वापिस 2 आया वापिस 0 लेंगे वापिस पॉइंट नहीं लेना है तो ये जब वापिस 0 आया ना तो ये वापिस 3 आया तो ये 18 है 6 3 दा 18 ये कंटिन्यू आ रहा है तो इसलिए हम ये ऐसा करेंगे इसके ऊपर ये पॉइंट करेंगे नहीं तो ये हम डॉट करेंगे देखो आया 11.6 1.8333 कंटिन्यू आएगा तो इसलिए 1.8 ये ऐसे करेंगे 3 के ऊपर ये बार करेंगे ये बार का मतलब ये कंटिन्यू आएगा हियर द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग टाइम हा पूर्णांक अखंड आवर्ती आहे तो हम लेंगे सेकेंड नंबर साम अभी लेते हैं सेकेंड नंबर यस मेरा बाव हेलो फ्रेंड हम अभी लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फोर्थ स्टैंडर्ड का सम है फिफ्थ स्टैंडर्ड का बहुत इजी है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म खालील परिमेय संख्या दशांत रूपात लिया पॉइंट मध्ये लिहायचे आता हे तुम्हाला काही वेळा घाई मध्ये विसरतं तुम्ही हुशार आहात तुमची शाळा तुमचे क्लासेस फार हुशार आहेत एक छान शिकवतात तुम्ही घाईमध्ये विसरता प्रॅक्टिस मॅन परफेक्ट तो ये मेरा मैच का खेल डर होगा फेल तो हम देखे है ये 200 से देखो प्लीज ध्यान देना और प्रैक्टिस करना ये वीडियो बार बार देखो स्टॉप करके पूरा वीडियो देखना चाहिए ये 127 आपको देखो इससे इसको डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे 200 तो ये ऐसा करेंगे इधर और ये 0 इधर आएगा 127 ही हमारा 0 यहां है ओके तो इधर हम 0 लेंगे इसलिए मैंने ये किया इधर से स्टार्ट कर सकते हैं हम पहले वीडियो में पहले पीछे सब में ऐसे किया था तो बच्चों लोग ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो आप 200 का टेबल बोलते जाना है देखो 200 नहीं टेबल बोलता है सिंपल है 2 का टेबल बोलते जाना ये 1270 आने तक यानी देखो 6212 यानी 1200 आएगा तो ये परफेक्ट है ये हम 6 लेंगे ये 1200 आया तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये 0 आया ये बोलो ये कितना आया 7 आया ये जीरो हम इसको नहीं लेंगे तो 200 से 70 को डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम वापिस सीधे 0 लेंगे तो 0 लेने के बाद इधर पॉइंट नहीं देना डबल पॉइंट नहीं देंगे तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा आर्यभट्ट नीचे आएगा और आपका सलाम करके वापिस जाएगा ये बोले आर्यभट्ट कौन मैथमेटिशियन है तो ये 2 का टेबल बोलते जाना 6 2 1 2 बोलो यस 2 2 2 3 6 ये आएगा तो ये 206 6 तो ये 600 आया ये 3 का हुआ तो ये 600 आया ठीक है तो ये उसको 700 से 600 माइनस किया तो 100 आया तो 200 से 100 को डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम 0 लेंगे समझे हीरो तो हम वापिस 2 से टेबल बोलेंगे 2 का टेबल बोलेंगे 2 5 10 आया तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये 5 का होगा तो ये 200 × 5 तो 1000 आया टोटल डिवाइड हो रहा है आया ना तो ये 0000 समझा मैं हीरो तो हुआ आंसर तो मेरे सर ये देखो मैं जो किया वो आपको प्रिंटिंग से डायरेक्ट कर रहा हूं इधर से ये हमारा आंसर है बहुत इजी है ना वापिस देखो वीडियो रिवर्स करके वापिस देखो तो और मजा आएगा तो फ्रेंड हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर सम सेकेंड नंबर 25/99 ओके तो हम बहुत सिंपल से वही करेंगे आप प्लीज देखो मजा आएगा ये देखो इधर हमने स्टार्ट किया आपके लिए ये 99 ये 22 तो 99 बड़ा है ये छोटा है तो 0 का इधर किया मैंने है ना 99 to 0
ओके, तो डायरेक्ट इधर जीरो भी कर सकते हैं, आपका वो चांसेस है, ऐसा भी डायरेक्ट करेंगे जो वो चलेगा। हाँ ओके, तो ये 99 का टेबल बोलते जाना है आपको, कितना तक, ये 250 तक, तो 99 टू जा, ये 99 टू जा कितना आएगा बोलो, हाँ बहुत है, हाँ 198 आएगा, तो ये 99 टू जा 198 आया, 198, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 10 से 8 माइनस किया तो 2 आएगा, तो कैरी 1 आया, ये 15 है, 15 से 10 कैंसिल हुआ तो 5 आएगा, कैरी 1, तो इधर 0 है, तो ये 99 से 52 को डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम वापिस 0 लेंगे। ओके, अब ये 99 का टेबल बोलते जाना, तो ये 520 आने तक, तो आपको समझ आएगा, अभी ये यानी ये 100 समझो, 100 फाइव जा तो आया ना, तो ये 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 आएगा, 495 ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। ओके, तो 10 से 5 कट हुआ तो 5 आया, कैरी 1, ये 12 से ये 10 गया 2 आया, कैरी 1, इधर 0, वापिस देखो ये 25 इधर रिटर्न आया, ये 25 इधर रिटर्न आया तो हम इधर स्टॉप करेंगे, तो वैसे रिटर्न रिटर्न जाएगा ना, इसलिए ये हमारा इतना ही आंसर है, ये बस, तो हम इधर ये वापिस रिटर्न आएगा सेम, तो आप ऊपर इधर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हमारा ये आंसर है, मैं बोला इधर निकाला ये है, ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ इधर, बहुत इजी है, आप ऊपर ये इधर रिटर्न है तो इधर वापस ये इसे कर सकते हैं, आपको अलाउड है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सम, तो हम फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अभी आगे का सम, ओके, उसमें डालेंगे हम बम, मजा आएगा, सेम अब हम डायरेक्ट आपको दिखाएंगे, ओके, हमने कैसे किया है उसको डायरेक्ट दिखाते हैं, ये देखो 7 से 23 को डिवाइड करते हैं, 7 का टेबल बोलते जाएंगे, 7 थ्री जा 21, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 आया, ओके, तो 2 आया, तो ये इधर हम 0 लिखा तो इधर पॉइंट आया, बराबर है, तो 7 का टेबल बोलते जाना, 7 टू जा 14, तो ये इसका सब्ट्रैक्शन किया तो 6 आएगा, वापिस 0 लिखा, तो 7 का टेबल बोलते जाना, 7 एट जा 56, उसको सब्ट्रैक्शन किया तो 4 आएगा, वापिस 0 लेंगे, 7 का टेबल बोलते जाना, 7 5 जा 35, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 50 आया, यानी 5 आया, तो इधर 0 लेंगे, तो ये 7 का टेबल बोलते जाना है, 7 9 जा 7 7 जा 7 7 जा 49, तो इधर 1 आया, तो इधर वापिस 0 लेंगे, 7 1 जा 7, ओके 7 1 जा 7, तो इसे कट किया तो इधर के 3 आया, तो इधर 0 लेंगे, तो 7 का टेबल, 7 4 जा 40 28 7 6 28, तो क्या है वापिस कितना 2 आया, इधर देखो इधर 2 है 20 है, तो ये 20 इधर है, तो ये वापिस रिटर्न आएगा, हाँ ये इधर से रिटर्न आने वाला है सेम, तो इसलिए हम ये ऐसे बॉक्स कर सकते हैं, तो ये कह सके हम ये यस, ये उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको स्टॉप नहीं है, वो आगे आगे सेम आएगा, ठीक है, बहुत इजी है, तो हम लेते हैं प्रेन नेक्स्ट सम, तो हम प्रेन अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर सम, सेम है सेम, उसका करते हैं हम गेम, देखो आपको मालूम है ये 5 से 4 के डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड ना करो तो 0 लिखेंगे हीरो, इधर देखो हम आपको छोड़ के 5 0 0 है ना, ये जो पॉइंट लिखा तो ये इधर 40 आया, ऐसे भी स्टाइल से लिखते हैं 5 0 0, ये पॉइंट आया तो ये 40 आया, 5 7 48, 5 4 5 8 40, समझे, तो इधर 0, ये बहुत इजी है, आप वापिस देख सकते हैं, ठीक है, अब तो हम लेते नेक्स्ट सम, तो ये आंसर कवर हुआ है, खंडित झाला, टर्मिनेटिंग हुआ, तो ये आपको बोला है 17/8, तो ये बहुत इजी है, सबसे मेन है ये, बहुत सारे ये सब पेपर पे ज्यादा आता है, तो प्लीज ध्यान देना मैं कैसे करता हूं, 8 को
एट से 70 को डिवाइड करेंगे, ये प्लीज ध्यान देना है। देखो 8 + 8, 8 × 16, 8 × 2 = 16, ये 2 आया, तो 17 से 16 कट किया तो 1 आएगा, तो 10 को 1 से डिवाइड ना होगा इसलिए जीरो लिया। जीरो लेने के बाद पॉइंट लेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 ज्यादा जाएगा तो 8 × 1 = 8, ओके, तो 10 से 8 कट हुआ तो 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड ना होगा इसलिए जीरो आएगा, ओके, 8 × 2 = 16, तो 16 आया, तो 20 से 16 कट किया तो 4 आएगा, तो 8 को 4 से नहीं होगा तो 0 आएगा इधर, ओके, 8 × 45, 8 × 5 = 40 आया, 40, तो ये 0 आया, हुआ आंसर। बहुत इजी है, आप देखेंगे तो सोचेंगे बहुत सिंपल है ये, इसका आंसर इधर ले गया। अभी हम लेते हैं सबसे मेन थर्ड नंबर सम, सबसे मेन सम थर्ड नंबर सम, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म, ओके फ्रॉम नहीं फॉर्म है, खालील परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू स्वरूपात लिया, ओके तो ये है 0.6, ये इधर डॉट है यानी कंटिन्यू आएगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम कैसे करते हैं, बहुत इजी है, प्लीज प्लीज ध्यान रखो, ये पॉइंट के बाद जीरो की पॉइंट के बाद वन नंबर आया तो 10x लेंगे, पॉइंट के बाद 6 होता है दो नंबर आया 100 लेंगे, पॉइंट के बाद तीन नंबर आया 6 × 8 आया तो इधर 1000x लेंगे। प्लीज ध्यान रखो, वापस देखो, ये 0.6 है, वन नंबर है तो हम इसको बोलते हैं, इसको पहले बोलेंगे, चलो इसको हम बोलेंगे लेट, उसको हम x बोलेंगे, समझा, लेट x इक्वल टू 0.6 ये आया, लेट x इक्वल टू 0.6 इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं बोला ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इधर हम लेंगे 10x लेंगे इक्वल टू, ये देखो ये पॉइंट के बाद इधर है, ये मैं प्लीज ध्यान रखो, सबसे मैंने ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए हम इधर लिखा 10x, यस ये पॉइंट को हमने इधर लिया, ये पॉइंट इधर आया, वो ऐसा ही रहेगा। वापिस देखो, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 10x, दो नंबर रहेगा तो 100x लाइक दैट, और ये पॉइंट इधर आएगा आगे क्योंकि इसको पैसा दिया ना, तो ये पॉइंट ऐसा रहेगा वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये देखो मैं जो बोला इधर है कि नहीं, तो प्लीज ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके इससे माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से 1 को, यानी 10x - x, ये देखो ये मैं क्या बोला 10x - x, इससे माइनस करेंगे, हाँ अभी इससे माइनस करेंगे, यानी क्या बोलेंगे 6.6 - 0.6 आया, तो ये कैसे करेंगे, देखो 10x - x बोलो, यस यस आपका राइट है, 9x है। अभी ये सबसे मेन है, बच्चों लोग इधर भूल जाते हैं, ये पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 6 है, ये पॉइंट गया है, तो हम इधर रब भी कर सकते हैं, 6 ये, हाँ अरे 0 ये, रब से सबसे है, ये कैंसिल हुआ, इधर 0 आया, इधर 6 आया, ये आर्य भट्टा ने बोला पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो ये 0 निकल जाएगा, खाली एक 6 आएगा, तो इसका आंसर कितना है बोलो, ये 6 है, तो x है, ये 6 है, मल्टीपल डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे, बे के बे थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो ये हुआ आंसर। वापिस देखो मेरे फ्रेंड, सब्ट्रैक्टिंग, इससे माइनस करेंगे, ये 10x - x आया, ये इससे माइनस किया, ठीक है, तो ये 9x आया, तो मैं बोला ये 6 माइनस किया 0 आया, ये 6 आया, तो 0 निकल जाएगा, तो 6 लिखेंगे चले गए, मल्टीपल डिवाइड होगा, ये मल्टीपल डिवाइड होगा, ये दोनों 3 के टेबल में 3 × 2 = 3, 3 × 3 = 3, ये दिस इज द आंसर। वापिस देखो तो मजा आएगा ना, यस। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट सम, अभी देखो ये किधर, ये कितना था, पॉइंट के बाद एक नंबर था, अभी दो नंबर है तो बोल कितना लेंगे, ये पहले उसको एक्स बोलेंगे, पहले इसको बोलेंगे एक्स, लेट एक्स इक्वल टू इसको एक बोला, अभी मैं बोला था ये ध्यान रखो, ये देखो ये पॉइंट के बाद दो नंबर है इसलिए हम बोलेंगे 100x,
यस आया 100x और ये 37 को आगे लेगी क्योंकि उसको पैसा दिया ना। हाँ और ये ऐसा रखेंगे। हाँ लाइफ में भूलना मत, ये बहुत इजी है। आप बहुत बिजी है, वापस देखो, ये सबको नहीं समझ आता। आपको समझेगा, आपका ब्रिलियंट है, आपके टीचर बहुत ब्रिलियंट है। पॉइंट के बाद दो नंबर है इसलिए 100x आया, और ये 100x लिखा इसलिए 37 आगे लिखा मैंने, और ये पॉइंट के जगह 37 आगे लिया, और ये सेम ऐसे आएगा ऊपर, ये बार रखना है। यस अब आगे सेम रहेगा, इससे हम इससे माइनस करेंगे। बोलो 100x माइनस एक्स, सिंपल है सेम, इससे ये माइनस करेंगे क्योंकि इक्वेशन ये 2 है, ये 37 बार आया, इससे है ये माइनस करेंगे। ये प्लीज ध्यान रखो, बहुत इजी है। इससे माइनस किया तो कितना आएगा, बरोबर 99x। अभी देखो ये पॉइंट के बाद ये बार है, पॉइंट के बाद ये 37 निकल गया है, तो ये वो खाली ये 37 बैलेंस है, तो मल्टीपल का क्या होगा, डिवाइड। हाँ तो हम वापिस आपको दिखाते हैं, तो आपको मजा आएगा ना। वापिस हम आपको दिखाए कि बच्चे लोग भूल जाते हैं। रेडी, देखो इसको क्या बोलेंगे, उसको एक बोलेंगे एक्स, अभी बोला था ये इसको, ये पॉइंट के बाद दो नंबर है इसलिए 100x, ये 37 आगे आया, ये एज इट इज, इससे माइनस करके सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट की इक्वेशन 2 और 1, समीकरण 2 मधुन समीकरण 1 वजा करूं, तो ये 100x माइनस एक्स आया, ये 37.37 माइनस ये 0.37, इसका सब्ट्रैक्शन बोलो 99, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 99, और ये बार है, बार गया, ये खाली 37, मल्टीपल का क्या होगा, डिवाइड, दिस इज द आंसर है ना, बहुत इजी है ना। तो हम ले गया अभी नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड आज का सबसे मेन सम 3 3, ये गणित का जीन। अभी हम करते हैं मैथ्स की टेस्टिंग, डर की होगी शिफ्टिंग, तो देखो आप टेंशन मत लेना है। उसको हम क्या बोलेंगे, पहले उसको बोलेंगे एक्स, लिया अभी मैं आपको दिखाता हूं पहले, रेडी। यस ये पॉइंट के बाद की, ये आगे मत देखो, पॉइंट के बाद दो नंबर है इसलिए बोलो बरोबर, आप बरो बोल रहे हैं। यस बात करते हैं, 100x आया, ये 3 ऐसा ही रखो, इसको मत बोलो कुछ। हाँ ये 17 आ गया कि उसको 100 रुपीज दिया ना, पैसा दिया, ये पॉइंट ये 17, ये आपको समझ आना चाहिए, सबसे मेन ये है। ये डर के आगे क्या है, जी यानी गणित है। ये देखो पॉइंट के बाद क्या है, 100 है, ये दो नंबर है इसलिए मैं 100x लिया, ये 3 लिखा, ये 100 लिखा इसलिए इसको 17 आगे लिया, ये पॉइंट है, ये सेम एज इट इज, इसको भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। बोलो बोलो बोलो, 100x माइनस एक्स, और ये माइनस ये 317.17 बार माइनस 3.17 बार। अभी बच्चों लोग प्लीज ध्यान रखना, इससे माइनस करेंगे तो 99x, पॉइंट के बाद 17 है, पॉइंट के बाद 17 मन में कैंसिल करो, यानी सब ऐसा हम कट किया, ऐसा नहीं करना रफ में। अबे 317 से 3 कट किया, 317 तो 3 वजा करा तो 314 आया, तो मल्टीपल का डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 314 अपॉन 99, दिस इज योर आंसर। तो हम लेंगे वापिस आपके लिए, देखिए एक एक स्टेप लेते हैं। देखो मैं बोला था इसको x लिया, ओके पॉइंट के बाद 17 है इसलिए मैं दो नंबर इसलिए 100 लिया, ये 3 है और 17 आगे आया, ये एज इट इज, उसके माइनस किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 1, समीकरण 2 मधून एक समीकरण 1 वजा करायचं, ओ ये 100x माइनस एक्स, बच्चों वो सच्चे ये आया, ये सेम है, आपका ध्यान सही है, ये माइनस किया, इसका माइनस 99x, अब इसका माइनस है 317 से 3 हमने कैंसिल किया, तो ये 314, ये बच्चा 4, ये मल्टीपल डिवाइड, गुणिले बराबर भागीले, मल्टीपल इक्वल डिवाइड, बहुत अच्छे, यस दिस इज योर आंसर मेरा सर। अभी हम लेते फोर्थ नंबर सम, यस 4, 4, अरे मैं यार होशियार, सेम है, देखो टेंशन आगे मत देखो, ये इसके बाद देखो, हाँ तो सेम आएगा बोलो, सेम करेगा। अभी इधर मैं आपको दिखाता हूं, देखो उसको लेके एक्स आया, एक्स लिया, परफेक्ट है, या पॉइंट के बाद कौन है,
89 है, यस है, तो हाँ ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है, दो नंबर है ना, दो, तो ये 100 आया, दो जीरो, समझे हीरो, या 100x आया, तो वह 50 ऐसा रखेगी। ये सबसे मेन स्टेप है ये बच्चों को ये समझना चाहिए, ये 100x आया, ये 15 है और ये 89 आगे आया, ये पॉइंट है ऐसे आया, ये सबसे मेन स्टेप है। देखो आफ्टर पॉइंट देर आर टू नंबर, सो आई टुक 100x इक्वल एज इट इज, 15 एज इट इज, आई टुक 89 एट फ्रंट पॉइंट एज इट इज, देन 89 बार एज इट इज, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू एंड वन, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके 100x माइनस एक्स, देन दिस वन माइनस दिस वन, तो ये सिंपल है, 89 कैंसल, 1589 माइनस 15 उसको माइनस किया तो आएगा 1574, ओके ये मल्टीपल इक्वल डिवाइड, गुनिले बरोबर भागीले, x इक्वल टू 1574 अपॉन 99, तो ये इन सिंपल है। आज वापिस देखो तो मजा आएगा, हाँ देखो। अब लेते हम नेक्स्ट सम, तो हम सम लेते पांच, अरे थे गणिता मध्ये नाच, यस, अरे मैथ्स की ये हिस्ट्री है, यस गणित का राज खुलेगा आज, यस गणित में हो गए खल भल, देखो थोड़ा पल भर, या हम सेम करेंगे, यस पहला का बोला से ला एक्स, ओके ये 2.514 बार एज इट इज लिखेंगे, ये टेंशन मत लेना, सेम लेना है आपको, टेंशन मत लेना है तो कुछ फायदा नहीं है, टेंशन लेने जब टेंशन घेतले का पेंशन भेटेगा, तो टेंशन काय को लेना है, टेंशन देना है, तो आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर, ये पॉइंट के बाद कितना नंबर, तीन नंबर है, तो 3 0 9 1000, यस आपका सही है, ये 1000x इक्वल टू, और ये टू इसको ले जाएंगे 2514.514, ये परफेक्ट, ये 1000x इक्वल टू, ये टू आया, ये 514 आगे आया, क्योंकि 1000 दिए ना उसको, ये पॉइंट के बाद वो सेम आएगा। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 1, समीकरण दो मधुन एक वजा आता मजा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1, ये हमें मजा करेंगे, इससे माइनस करेंगे 1000x माइनस एक्स, और ये माइनस ये, समझे मेरे, ये मेरे बॉय, ये मेरे बॉय, हाय हाय कुछ तो करो ना, हाय हाय, तो ये इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन किया तो 999x, अभी क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे मन में, और 2514 माइनस 2 2514 मधुन दोन वजा के लिए तो 2512 आएगा, ये 4 से 2 कट किया, देखो इधर आया बरोबर, मल्टीपल डिवाइड, x इक्वल टू 2512 अपॉन 999, ये 999 हमारा बरौन थोनी, यस तो ये आंसर आया है, दिस इज योर आंसर, अरे बोलो हम इधर है सोलो, अरे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मजा आएगा ना, कुछ लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो बाप रे बाप मैं तो हैरान होता हूँ, करो मेरे चैनल को लाइक, बेल बजाओ टाइट, आपको मिलेगी मेरे न्यू साइड, यू आर राइट, थैंक यू, मैथ्स ऑलवेज विथ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर माई डियर, बी चीयर।